हेलो एवरीवन, तो कॉटन यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया है अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2022 के रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियोस हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले आपको कॉटन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा एडमिशन 2022, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करके उसका देखो यहाँ लिखा अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे देखो लिखा गया है अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2022। प्रीवियस नोटिफिकेशन 22 जुलाई को दिया गया था, इसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाया, आप चाहो तो आई बटन से वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो यहाँ देखो 26 जुलाई को ये नोटिफिकेशन दिया गया, हल्का जनरल इन्फॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन 2022 एट कॉटन यूनिवर्सिटी। तो मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो नोटिफिकेशन में बस आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन आप डिटेल में नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन, जैसे आपको पता है तो एक प्रोग्राम ऑफ स्टडी, मतलब क्या क्या प्रोग्राम से, यहाँ पे लिखा है बीए ऑनर्स, और यहाँ पे देखो उसके बाद बीएससी ऑनर्स, बीए लिबरल आर्ट्स, उसके बाद बीसीए। तो यहाँ पे बीए ऑनर्स में लिखा है देखो ये 3 ईयर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है और 140 क्रेडिट्स कवर्ड होगा 6 सेमेस्टर्स में विद यूजीसी रिकमेंडेड सीबीएसई करिकुलम। उसके बाद बीएससी ऑनर्स में भी सेम है, यहाँ लिखा है 3 ईयर्स का ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है, 140 क्रेडिट कवर्ड होगा 6 सेमेस्टर्स में विद जो यूजीसी रिकमेंडेड सीबीसीएस करिकुलम। बीए लिबरल आर्ट्स, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा ऑफ 132 क्रेडिट कवर होगा इन 6 सेमेस्टर्स, और यहाँ जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स होगा प्रोग्राम का, स्टूडेंट्स को यहाँ पे लर्न होगा ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और एंड विच यहाँ पे एक्सपेक्ट होंगे आइडेंटिटी होगा वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी स्पेशल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और जो 3rd सेमेस्टर से यहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं 1 सब्जेक्ट मोर मेजर सब्जेक्ट्स, तो आप पढ़ सकते हो, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और बीसीए मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, यह सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम से जो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा 140 क्रेडिट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होगा जो कवर्ड होगा 6 सेमेस्टर्स में। और यहाँ पे जो फॉलोइंग यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस है, यहाँ पे लिखा है कौन सा सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस है, वो होगा बी ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बीएससी ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीसीए। तो आप कोर्सेस को अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। उसका देखो यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया गया है, यहाँ पे लिखा है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एडमिशंस के लिए अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को क्वालिफाई या पास होना पड़ेगा हायर सेकेंडरी मतलब एचएस या फिर 10+2 एग्जामिनेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल, इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना पड़ेगा, 55% मार्क्स होना पड़ेगा फॉर ओबीसी एमओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स। उसका एक जो अप्लाई और एडमिशन के लिए बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम्स के लिए एक्सेप्ट मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड जियोग्राफी एप्लीकेंट्स या स्टूडेंट्स को पास होना पड़ेगा या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड जियोग्राफी होगा वो कोर्स सब्जेक्ट होगा, उसमें ऑफर होगा ओनली जो अंडर बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पास के एचएस 12 या फिर इक्विवेलेंट आर्ट्स या कॉमर्स वो लोग भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा जाएगा बीए ऑनर्स बीए लिबरल आर्ट्स एंड बीसीए प्रोग्राम्स ओपन होगा स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन चाहे कोई भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस आर्ट्स या कॉमर्स, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबल क्राइटेरिया कंडीशन होगा मेंशन बिलो, थे यहाँ पे नीचे आपको और भी सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया जो आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट्स मतलब कब से ऑनलाइन अप्लाई का डेट स्टार्ट होगा, होगा 26 जुलाई 2022, और लास्ट जिस होगा सबमिट करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 1 अगस्त 2022। डेट्स के आगे कुछ भी अपडेट्स या चेंजेस आ जाता है मैं आपको पिन कॉन में जरूर बता दूंगा। नंबर 3 पे लिखा है नंबर ऑफ सीट्स हो गया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे बीए ऑनर्स सीबीसीएस, बीएससी ऑनर्स सीबीसीएस और बीए लिबरल आर्ट्स, बीसीए सेल्फ फाइनेंसिंग, तो यहाँ पे अच्छे से सीट्स नंबर्स दिया गया, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से आप सीट नंबर ऑफ सीट्स देख लेना, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन सभी चीज दिया गया, मैं वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए सीट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया। तो अप्लाई करने मतलब हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस का कॉटन यूनिवर्सिटी का, और फिलअप करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से, मतलब वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्स का नेम दिया गया तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 4.2 नंबर पे लिखा है एप्लीकेंट्स उनको जनरेट करना पड़ेगा यूनिक आईडी, तो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो सभी स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी जनरेट करना पड़ेगा डीएचई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से विजिट करके, ठीक है। नंबर 2 पे लिखा है एप्लीस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मोर देन वन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिस्टेड अबव दिया गया है, लिखा है एडमिशन जो स्ट्रिक्टली होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट जो एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 6 में बिलो गवर्न बाय यूनिवर्सिटी एडमिशन रूल्स, और जो ऑनरेबल वाइस चांसलर डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग एडमिशन वो कंसिडर होगा एज फाइनल। 4.4 में लिखा है कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको 300 रुपीज फीस होगा जो पे करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को। नंबर 5 में लिखा है डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, अच्छे से पढ़ लेना कौन सा डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस एक बार भर लोगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया आपके साथ इसको डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा गया कैंडिडेट्स जिनका मोर देन 3 ईयर्स का स्टडी गैप है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए। तो आप पढ़ लेना अच्छे से, मैं बस आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन वैसे मैंने आपको कहा आप हर एक डिटेल में पढ़ लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसका देखो नंबर 6 में लिखा है पे मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, तो आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो कैसे प्रिपेयर होगा, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका यहाँ पे मार्क्स स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया, जैसे पढ़ लेना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना। उसका टाइम ब्रेकिंग का भी दिया गया, आप पढ़ सकते हो। उसका देखो यहाँ पे स्कीम ऑफ वेबर ऑफ एडमिशन फी ट्यूशन फी स्कीम के बारे में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हो। उसका यहाँ पे BA BSc ऑनर्स प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में अच्छे से CBCS कोर्सेज के बारे में अच्छे से दिया गया है, तो मैं बस यही कहूंगा आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है एज अ स्टूडेंट आपको डिटेल में हर एक पॉइंट्स पढ़ना चाहिए, बस मैं आपको एक बता दे रहा हूँ ताकि वो पता रहे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो हर एक पॉइंट्स को। यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए दिया गया, लेकिन हॉस्टल अलॉटमेंट और एडमिशन होगा और रिक्वायर होगा सेपरेट प्रोसीड्यूर, लेटर डेट में बता देंगे आफ्टर एडमिशन होने के बाद जो नोटिफाई कर देंगे कॉटन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में अप्रोप्रिएट टाइम में। नोटिफिकेशन पर जो जो मैं एक्सप्लेन कर सका मैंने आपको एक्सप्लेन कर, इससे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा, यह वीडियो में बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट डिटेल में पढ़ लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्क्रीन से आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो देख सकते हो, क्लिक कर प्लेलिस्ट दिख रहा होगा क्लिक करके देखो। यही था आज का वीडियो, देखने के शुक्रिया, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।